फ्रेंड्स, ये पार्ट टू वीडियो है जिसमें मैं सरस्वती माता की मूर्ति को कलर और डेकोरेट करना आप लोग को सिखाऊंगी। ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली है फ्रेंड्स। यदि आप लोगों ने इसका मेकिंग वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज़ आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मूर्ति अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो सबसे पहली कोटिंग हम वाइट कलर से करेंगे, जिससे कि जब इसके ऊपर हम कोई भी कलर अप्लाई करें तो वो बहुत ही अच्छे से निखर कर आए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने जितने भी कलर्स का यूज़ किया है, सभी मैंने एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे मूर्ति को मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से, साथ ही वीणा और हंस को भी मैंने वाइट कलर से कलर कर लिया है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम वाइट कलर में हल्का येलो कलर को मिक्स करके इनकी साड़ी को कलर कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस सरस्वती माता को बंगाली लुक दिया है। मैंने यहाँ पे लाल पाड़ सादा साड़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सरस्वती माता का बॉडी भी वाइट कलर है, इसलिए वाइट साड़ी इनमें अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने थोड़ा सा येलो कलर को मिक्स करके साड़ी को ऑफ वाइट कलर बनाने की कोशिश की है। और लास्ट में हम साड़ी के ऊपर सिल्वर कलर से पूरे साड़ी को कलर कर देंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छे से चमक आ जाएगा फ्रेंड्स। ब्लाउज़ को क्रिम्सन रेड कलर से कलर कर लिया है। लोटस पेटल्स को कलर करने के लिए पिंक कलर में थोड़ा सा वाइट कलर को मिक्स करके लाइट पिंक कलर बना लेंगे और इसी से पूरे फ्लावर को कलर कर लेंगे। अब फ्लावर के ऊपर पाउडर पिंक कलर से पूरे फ्लावर में शेडिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर का लुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है। आप लोगों के पास यदि पाउडर कलर ना हो तो आप लोग होली में खेलने जाने वाले गुलाल का यूज़ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने लाइट पिंक कलर से सरस्वती माता के फेस में थोड़ा थोड़ा साइड साइड से शेडिंग कर लिया है और आइज़ के ऊपर भी हम इसी कलर से कलर कर लेंगे। आप लोग वीडियो में दिखाए गए तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। फिर मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर से आइज़ को पहले ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, कभी भी आप आइज़ को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक कलर से पहले ब्राउन कलर को यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा। मैंने बहुत ही स्लो में वीडियो बनाया फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी सीख सकें अच्छे से। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते हैं कि दिया प्लीज़ थोड़े से स्लो वीडियो बनाया करें, जिससे कि हम भी सीख सकें। तो आप लोगों के लिए ही मैंने थोड़ा स्लो वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर कर लीजिए, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उन्हें सीखने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ब्राउन कलर के ऊपर ही मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से पूरे आईज़ एंड आईब्रो को कलर कर लूँगी। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर मैंने बिग साइज़ लगभग 3.5 फीट की सरस्वती मूर्ति बनाया है अपने चैनल पर, वो भी आप लोग देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी थी फ्रेंड्स। यहाँ पर इसी कलर से हम सरस्वती माता के बाल को भी कलर कर लेंगे। अब इनके लिप को कलर करने के लिए रेड कलर से हम इनके लिप को बना लेंगे। रेड कलर से ही इनके दोनों हाथों और दोनों पैरों की उंगलियों में भी कलर कर लेंगे। रेड कलर से ही इनके सिंदूर और बिंदी को कलर कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस सरस्वती माता की मूर्ति को मैंने बंगाली स्टाइल में बनाया है, तो इनको साका पोला भी पहना लेंगे। जो दो कंगन बने हुए हैं उसमें से एक कंगन को रेड कलर से कलर करेंगे और दूसरे को वाइट एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे, जिससे कि इसमें साका पोला वाला लुक आए। दोनों हाथों और दोनों पैरों के नेल्स को पिंक कलर से कलर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी मूर्तियों की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल पर बहुत सारे सरस्वती माता की मूर्ति भी मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो को भी जाकर के चेकआउट कीजिए। यहाँ पर नेल्स के ऊपर हम वाइट कलर से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। दोनों हाथों और दोनों पैरों की उंगलियों में भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। नीचे के लकड़ी को कलर करने के लिए ब्लू कलर से पूरे लकड़ी को कलर कर लेंगे। अब साड़ी में डिज़ाइन बनाने के लिए साड़ी के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फेविकॉल को लगाएंगे और गोल्डन ग्लिटर को स्टिक करते जाएंगे।
अब साड़ी के बॉर्डर में हम लेस लगाने के लिए यहाँ पर रेड कलर का एक पाड़ लगाएंगे, जिससे साड़ी में रियलिस्टिक लुक आए। तो यहाँ पर मेरे पास रेड कलर का एक कपड़ा पड़ा हुआ था जिसमें गोल्डन कलर के धागे का वर्क था, तो उसी को मैंने पतला पतला कट करके पूरे साड़ी के बॉर्डर में चिपका लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको चिपकाने के लिए डेंड्राइट का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे फेविबॉन्ड का यूज़ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप लोग के पास इस प्रकार का कपड़ा ना हो तो आप रेड कलर के सर्टन रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें बॉर्डर बनाने के लिए, तो आप उसे भी चिपका सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा साड़ी का लुक आता है फ्रेंड। और यदि आप लोगों के पास वो रिबन भी ना हो तो आप मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट रेड कलर से पेंट करके उसमें डिज़ाइन बना के बॉर्डर बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने पाड़ को लगा लिया है, और अब हम ऊपर के पल्लू में भी लगा लेंगे साइड साइड से कुछ इस तरह से। मेरे पास ये कपड़ा ज़्यादा नहीं था तो जहाँ जहाँ पे दिखाई देता वहाँ वहाँ पे मैंने चिपका लिया है। ऊपर के आंचल वाले पार्ट में मैंने नहीं चिपकाया क्योंकि वहाँ पे मैं जब नेकलेस पहनाऊँगी तो वो ढक ही जाएगा। आप लोग चाहे तो इसे लगा भी सकते हैं। आंचल वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने पतला पतला कपड़ा कट करके उसे फोल्ड कर करके इसे एक के ऊपर एक चिपका दूँगी, जिससे ये आंचल जैसा लगने लगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा रेड कलर से कपड़ा चिपका दूँगी, ये अच्छा नहीं लग रहा था खाली खाली, इसलिए। आप लोग इसे अपने इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये रहा ज्वेलरी, इसे मैंने खुद ही घर पे बनाया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आप लोग को फिर से सिखा दूँगी। वैसे भी मेरे चैनल पे ज्वेलरी की वीडियो अपलोडेड है तो आप लोग जाकर के उसे भी देख सकते हैं। सभी ज्वेलरी को वन बाई वन चिपकाते जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम नेकलेस पहनाएंगे इनको। चिपकाने के लिए मैंने डेंड्राइट का यूज़ किया है, आप चाहे तो फेविबॉन्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इनके कमरबंद को हम पहना लेंगे कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा देर दबा के रखना होगा, 5-10 सेकेंड, उसके बाद ये अच्छे से चिपक जाती है फ्रेंड्स। अब इनके कंगन को पहना लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने फुल ज्वेलरी को गोल्डन ही रखा है ताकि इसमें असली वाले ज्वेलरी का लुक आ सके। इसमें मैंने किसी भी अलग कलर के स्टोन का यूज़ नहीं किया है। और ये मूर्ति मेरी फेवरेट है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर यहाँ पर मैंने मोतियों का एक हार बना के इसमें पहना दिया है। और यहाँ पर जो रोज़ वाला आप लोग माला देख रहे हैं उसे मैंने एयर ड्राई क्ले से बना करके उसमें येलो वाइट और पिंक कलर से कलर कर दिया है। तो उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। फिर इनके बाल को चिपका लेंगे। बाल आप लोग को वहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स जहाँ पर सारे भगवान जी के ज्वेलरी, उनके सारे सामान जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे आपको बाल भी मिल जाएंगे। आप लोग मुझे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि बाल कहाँ पे मिलता है, तो आई होप कि आप लोग का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो इनको फिर हम मुकुट, इयररिंग सब कुछ पहना लेंगे, फिर इनको मांग टीका भी पहना देंगे। इसके बाद मैंने इनको एक छोटा सा प्यारा सा नथ भी बनाकर चिपका लिया है इनके नोज़ पर। तो चलिए अब हम इनके वीणा को कलर कर लेते हैं। तो इसको कलर करने के लिए सबसे पहले ब्राउन एक्रेलिक कलर से पूरे वीणा में कलर कर लेंगे, फिर ब्लैक कलर से इसके बीच वाले पोर्शन में हम कुछ इस तरह से कलर करेंगे। ऊपर में भी हम ब्लैक कलर से कलर करने के बाद साइड के तीनों कील को हम इसी कलर से कलर करेंगे। वाइट एक्रेलिक कलर से हम कुछ डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप लोग वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसे बहुत ही ईजी तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे फ्रेंड्स। वीणा के ऊपर मैंने वाइट कलर से जो पतला पतला सा लाइन बनाया है उसी के ऊपर हम गोल्डन कलर से थोड़ा थोड़ा कलर कर लेंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। और नीचे के साइड जो मैंने वाइट कलर से डिज़ाइन बनाया था उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा गोल्डन टच दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वाइट कलर का एक धागा लेंगे और उसमें एक नॉट लगा लेंगे। नीचे के साइड जो वीणा में हमने कील बनाया था उसमें हम बांध लेंगे अच्छे से, और फिर ऊपर वाले डिज़ाइन में हम जो गोल जैसा डिज़ाइन बनाए थे उसी के ऊपर हम राउंड राउंड लपेटेंगे, और नीचे वाले जो डिज़ाइंस है उसमें हम फंसाते हुए नीचे की तरफ कील में हम अच्छे से बांध लेंगे, फिर ऊपर हम कुछ गोल्डन कलर से डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये रहा फाइनल लुक वीणा का। अब इसे हम माँ सरस्वती के हाथों में फिक्स कर लेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा नीचे के साइड में फेविकॉल या हॉट ग्लू से इसे अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा, जैसे कि ये बाद में हाथों से गिरे ना। फिर यहाँ पर मैंने मोतियों का एक हार बनाकर इनके हाथों में लगा लिया है। अब हम हंस को कलर करेंगे। तो हंस को पहले तो मैंने वाइट कलर से पूरे हंस को कलर कर लिया था, फिर मैंने सेट करने के लिए पाउडर कलर का यूज़ किया है। तो जिसमें पहले तो ऑरेंज कलर से सेट करेंगे, फिर
थोड़ा सा पिंक कलर से, और लास्टली हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर से शेडिंग कर लेने के बाद इसे ऊपर ऊपर हल्का हल्का पोंछ लेंगे। इनके चोंच को ऑरेंज कलर से कलर करेंगे, आईज़ के अंदर वाले पार्ट को वाइट कलर से कलर करके ब्लैक कलर के इनके आईज़ को बना लेंगे। तो ये रहा हंस भी तैयार। और अब यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है जिसके ऊपर मैंने ब्लू कलर का चार्ट पेपर को फेविकॉल से चिपका लिया है, और उसी से हम मूर्ति का बेस बना लेंगे और उसे मूर्ति के नीचे चिपका लेंगे। अब बनाएंगे मूर्ति का बैकग्राउंड, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज का कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। उसके ऊपर चार्ट पेपर को चिपका करके ब्लैक कलर से पूरे चार्ट पेपर को कलर करेंगे, येलो ऑरेंज और रेड कलर से। इसमें सन बना लेंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो अब हम इनको सरस्वती माता के बैकग्राउंड में इसे लगा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मूर्ति के नीचे जो मैंने बेस बनाया है वो बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था सामने की तरफ से, तो मैंने सोचा कि एक बुक बना लिया जाए। जिसके लिए मैंने यहाँ पर, मेरे पास थोड़े से एयर ड्राई क्ले बचे हुए थे ब्लैक कलर में, तो उसी को मैंने पहले तो अच्छे से रोल कर लिया है और उसके हम साइड साइड से कट कर लेंगे। तो हम इसे बुक वाला शेप देंगे, तो आप लोग वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसे साइड साइड से कट कर लीजिए। और इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेने के बाद बीच में दो लाइन बना लेंगे स्केल की हेल्प से। पूरा कट नहीं करना है, ये लाइन इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम बुक को अच्छे से फोल्ड कर पाएँ बाद में। फिर मैंने सेम क्ले को यूज़ किया है और इसके अंदर वाले पेपर को बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पेपर वाला लाइन बना लेंगे यहाँ पर क्ले टूल्स की हेल्प से। यदि आप लोग के पास क्ले टूल्स ना हो तो घर में पड़े चाकू, सुई, स्केल वगैरह से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और आप किसी भी कलर के क्ले का यूज़ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे हम उठा लेंगे और फिर हम इसके अंदर इसे भरकर इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये रहा बुक और ये रहा इंक पॉट, मैंने बहुत ही छोटे से क्ले से बनाया है। और यहाँ पर मैंने एक फेदर भी बनाया है वाइट कलर के पेपर को वायर के ऊपर फोल्ड करके चिपका लेने के बाद उसे साइड साइड से कट कर लेंगे जिससे ये फेदर जैसा बन जाए। और पूरे बुक को हम वाइट एक्रेलिक कलर से पहले कलर कर लेंगे। इंक पॉट को भी वाइट कलर से ही कलर करेंगे पहले। बुक के कवर वाले पार्ट को ब्राउन एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे। पतले वाले ब्रश के ऊपर व्हाइट एक्रेलिक कलर को लेंगे और बुक के ऊपर कुछ इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। और फिर हम बीच में इसमें वेद लिख लेंगे। इंक पॉट को रेड कलर से कलर करेंगे और व्हाइट कलर से इसमें कुछ डिजाइन बना लेंगे। बुक को रखने के लिए एक स्टैंड बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने माचिस की तिल्ली ली है। उसके बारूद को निकाल लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे माचिस की तिल्ली को कलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम वन बाय वन क्रॉस करते हुए चिपकाते जाएंगे एक के ऊपर एक। चिपकाने के लिए आप हॉट ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे बहुत ही आसान तरीके से चिपक जाएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा स्टैंड, और अब हम स्टैंड को भी फेविकॉल से सरस्वती माता के नीचे तरफ बैकग्राउंड में चिपका लेंगे। और यहाँ पर इंक पॉट है। तो ये रहा सरस्वती माता का फाइनल लुक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग को ये डेकोरेशन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।